अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ को बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। इस लेक्चर में हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, जैसा कि स्पीशी क्या होती है, स्पीशी के बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम क्या होता है। इसके बाद हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान है वो देखेंगे। कॉर्न की क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर एक हमारा टॉपिक होगा, इसमें कार्लस लीनियस का काम देखेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, और कुछ जानदारों को साइंटिफिक नाम देने का तरीका भी सीखेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 5 इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, ये लफ्ज़ वैरायटी वेरियस से निकला है। वेरियस का मतलब होता है कई किस्म का, कई तरह का, तो वैरायटी डाइवर्सिटी को कहते हैं। इसको आप बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी ऑफ लाइफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा तनवो है, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। हमें अब तक 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स डिस्कवर हो चुकी हैं, अब तक 0.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स डिस्कवर हो चुकी हैं, 0.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स डिस्कवर हो चुकी हैं। हमारी बुक के अकॉर्डिंग एनिमल्स की 1.5 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 1.5 मिलियन 15 लाख, 0.5 मिलियन 5 लाख, यानी टोटल 20 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। याद रहे, इंसान, तमाम इंसान एक स्पीशी हैं, होमो सेपियंस, ठीक है, ये एक स्पीशी काउंट होगी। तो 1.5 मिलियन एनिमल्स और 0.5 मिलियन प्लांट्स डिस्कवर हो चुके हैं, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इसको स्टडी कैसे किया जाए, ये खासा डिफ़िकल्ट टास्क है इसको स्टडी करना। समझ नहीं आता कि कैसे स्टडी किया जाए, तो जानदारों की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। जानदारों की स्टडी को कन्वीनियंट और इजी बनाने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक क्लास में रखा जाएगा, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में रखा जाएगा। स्टूडेंट्स, व्हाई क्लासिफिकेशन इज़ डन? क्लासिफिकेशन इज़ डन जस्ट टू मेक द स्टडी कन्वीनियंट, जस्ट टू मेक द स्टडी ईजियर। क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है? हमेशा क्लासिफिकेशन कहीं पर भी की जाए, बायोलॉजी में, किसी और सब्जेक्ट में, वो उसकी बेस होगी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलर थिंग्स आर कैप्ट इन द सेम ग्रुप, डिफरेंट थिंग्स आर कैप्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स, दिस इज़ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो जानदारों की क्लासिफिकेशन, शुरू में जब जानदारों की क्लासिफिकेशन की गई तो ये मॉर्फोलॉजी की बेस पर की गई। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, अपेरेंट जो उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेस पर की गई। मिसाल के तौर पे एक फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर कलर देखा गया, प्लांट हाइट देखी गई, ये चीज़ें देख के क्लासिफिकेशन की गई। लेकिन ये क्लासिफिकेशन दुरुस्त नहीं थी। अब जाहिर है इसकी कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होती, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैव नो साइंटिफिक बेस, उनकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं होती। तो मज़ीद जो देखा गया जानदारों में, जानदारों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ सिमिलर होती हैं, इर्तकाई जो उनकी तारीख है वो सिमिलर होती हैं। इस बात का क्या सबूत है हमारे पास? अगर हम जानदारों की होमोलॉजीज़ को देखें, होमोलॉजीज़ क्या होती हैं, जैसे आप ज़ेहन में लाएँ, होमोलोगस ऑर्गन्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर, हैविंग सेम ओरिजिन, डिफरेंट फंक्शंस, होमोलॉजीज सिमिलर स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। जैसे बोन्स की तरतीब, हड्डियों की तरतीब होमोलॉजी है। बायो केमिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है कि जानदारों में होमोलॉजीज़ हैं, इससे पता चलता है कि दे आर सिमिलर इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जानदारों की जो कंपेरेटिव बायो केमिस्ट्री है, इसे हम देखें। बायो केमिस्ट्री मीन द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम जानदार एक ही तरीके से ATP हासिल करते हैं, तमाम जानदारों में मेटाबॉलिज्म होता है। ये इस बात का प्रूफ है कि तमाम जानदार एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में मिलते जुलते हैं। हम जानदारों की जेनेटिक्स को पढ़ें, उनकी स्टडी ऑफ जीन्स करें, उनकी स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस करें, तो वो एक ही तरीके से इनहेरिट करते हैं। उनके DNA का स्ट्रक्चर, RNA का स्ट्रक्चर, फिर इनकी अगली नस्ल में मुंतकली, ये एक ही तरीके से होती है। हम उनकी साइटोलॉजी को देखें,
तमाम जानदारों में सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, तमाम जानदार सेल्स के बने हुए हैं। इसका मतलब है दे हैव सम सिमिलरिटी इन दी रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इनको देखने के बाद हमें पता चलता है कि जानदारों में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक वर्ड को, एक टर्म को, जिसको हम स्पीशी बोलते हैं। एक चीज़ जो आपने नोट रखनी है, इस टर्म की स्पेलिंग यही होते हैं। अगर एक की बात की जाए तो हम इसे स्पीशी बोलते हैं, अगर ज़्यादा की बात की जाए तो इसे हम स्पीशीज़ बोलते हैं। स्पेलिंग सेम रहेंगे, स्पेलिंग में चेंज नहीं आएगा। स्पीशी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर मेक अ स्पीशी। एक स्पीशी के जानदार फ्रीली, नेचुरली, उनको फोर्स नहीं करना, नेचुरली आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में मेटिंग कर सकते हैं, आपस में कॉपुलेशन कर सकते हैं। इसके नतीजे में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। फर्टाइल, जो स्टीराइल नहीं है, जो इनफर्टाइल नहीं है, जो आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये सेक्सुअली आइसोलेटेड होते हैं, यानी एक जानदार के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो सेक्सुअल नीड है, वो दूसरे स्पीशीज़ के जानदारों से डिफरेंट है। हर स्पीशी में साइज़ ऑफ द कॉपुलेटरी ऑर्गन, लेंथ ऑफ द बर्थ केनाल और वेजाइना इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसको बोलते हैं सेक्सुअली आइसोलेटेड हैं, डिफरेंट हैं, अलग थलग हैं दूसरों से, इनको एक स्पीशी कहते हैं। हमें देखना है कि दो जानदार एक स्पीशी से हैं या नहीं, उनका इंटरब्रीड करें, एक मेल ले लें, एक फीमेल, देखें कि उनके ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं या नहीं होते। अगर हूँ फिर देखें कि वो ऑफस्प्रिंग आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो एक ही स्पीशी होंगे। अब जो डंकी और हार्स है, गधा और घोड़ी है या घोड़ा है, इनके क्रॉस से म्यूल, खच्चर पैदा होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आ रही होता है, जिसे स्टीराइल कहते हैं। तो ये दोनों एक स्पीशी नहीं, दे आर डिफरेंट स्पीशी। स्टूडेंट्स, ये जो स्पीशी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ये क्राइटेरिया इंटरब्रीड करने वाले यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जानदारों के लिए तो दुरुस्त है, लेकिन वो जानदार जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया काबिले अमल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो उनको आप कैसे देखेंगे कि वो एक स्पीशी है या नहीं? तो उनके लिए हमारे पास जीनेटिक्स की स्टडी है, हम उनकी जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे, हम उनकी साइटोलॉजी को स्टडी करेंगे, हम उनकी होमोलॉजीज देखेंगे, ठीक है, हम इसके अलावा उनकी फिजियोलॉजी को देखेंगे। ये सारी डिफरेंट चीज़ें देखने के बाद, फिजियोलॉजी, फंक्शनिंग, होमोलॉजी, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, साइटोलॉजी, उनके सेल्स की स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स, उनकी इनहेरिटेंस को देखेंगे, जीन्स को देखेंगे, तो डिसाइड करेंगे आइदर दे आर सेम स्पीशी और डिफरेंट स्पीशीज। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। स्पीशीज़ मिलकर, मुख्तलिफ स्पीशीज़ या रिलेटेड स्पीशीज़ मेक अ जीनस। जीनस की जमा होती है जेनरा। रिलेटेड जेनरा मेक अ फैमिली, फैमिली। रिलेटेड फैमिलीज मेक एन ऑर्डर। रिलेटेड ऑर्डर्स मेक एन, मेक अ क्लास। रिलेटेड क्लासेस मेक अ फाइलम। फाइलम जो टर्म है ये एनिमल्स के लिए यूज़ होती है, प्लांट्स, एल्जी और फंजाई तीनों के लिए डिवीजन यूज़ होती है। रिलेटेड फाइला और डिवीजन्स मेक अ किंगडम। स्टूडेंट्स, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, ये टैक्सा हैं, ये सबसे छोटा टैक्सॉन है, ये सबसे बड़ा टैक्सॉन है। किंगडम से ऊपर भी एक टैक्सॉन होता है जिसे डोमेन बोलते हैं। फाइव किंगडम्स हैं, डोमेन्स थ्री हैं, आर्की, यू बैक्टीरिया, यू केरिया। स्पीशीज से छोटा भी लेवल होता है, प्लांट्स के लिए वेराइटी, एनिमल्स के लिए फार्म, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए या जेनेटिक वेरिएंट्स के लिए स्ट्रेन यूज़ होता है। जैसे इंसानों को कहते हैं ये ब्लैक फार्म है, ये वाइट फार्म है, ये ब्राउन फार्म है, ऐसे ही प्लांट्स में गंदम एक स्पीशी है, वीट एक स्पीशी, इसकी आगे वेराइटीज़ होती हैं। स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ टैक्सा हैं, इनको लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, इनको टैक्सा कहा जाता है। हमने कॉर्न की क्लासिफिकेशन देखनी है और हायरार्की देखेंगे। कॉर्न की स्पीशी का नाम है मेज, एम ए वाई एस, मेज। इसकी जीनस का नाम है जी। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? जी मेज। इसकी फैमिली है पोएसी, पोएसी एक फैमिली का नाम है। स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर है पोएल्स। इसकी क्लास का नाम है एंजियोस्पर्मी, क्लास एंजियोस्पर्मी, जिनमें सीड फ्रूट के अंदर कवर्ड होता है। इसका फाइलम या इसकी डिवीजन का नाम है
ट्रैकियोफाइटा या एंथोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा वो जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये एंथोफाइटा भी कहलाता है और इसका किंगडम है प्लांटी। स्टूडेंट्स, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसका साइंटिफिक नेम अगर हम लिखें तो वो साइंटिफिक नेम होगा जी मेज। अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, पहला नेम जेनरिक, दूसरा स्पेसिफिक, ये आगे चल के हम देखते हैं। ये कॉर्न की क्लासिफिकेशन लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये लेवल्स क्या हैं। रिलेटेड स्पीशीज़ में एक जीनस, रिलेटेड जेनरा में एक फैमिली, रिलेटेड फैमिलीज में एक एन ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर्स में एक क्लास, रिलेटेड क्लास में एक फाइलम और डिवीजन, रिलेटेड फाइला और डिवीजन्स में एक आ किंगडम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, नोमेनक्लेचर। सबसे देखें, पहले देखेंगे हम नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। नोमेनक्लेचर का सिंपल मीनिंग है नेमिंग, नाम रखना। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स के भी नाम होते हैं, लेकिन लोकल नाम्स, लोकल जो नाम है वो कन्फ्यूजन काज करते हैं, वो एम्बिगुइटी काज करते हैं, वो अबहाम और कन्फ्यूजन काज करते हैं। हम मिसालें देखेंगे, जैसे स्टूडेंट्स ऑनियन है, प्याज, इसे उर्दू में प्याज कहते हैं, इसे गंडा भी कहते हैं, इसे बसल कहते हैं, इसे वसल कहते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये नाम है प्याज के, दूसरे मुल्कों में दूसरे नाम होंगे। इसी तरीके से एक अमलतास, एक पौधा होता है, अमलतास एक दरख्त होता है जिसके पीले पीले पत्ते होते हैं, इसको अर्गवाड भी कहते हैं, अमलतास भी कहते हैं, इसको गरमाला भी कहते हैं, इसको परजिंग केसिया भी कहते हैं, इसे गोल्डन शावर, ये इसके सारे कॉमन नेम्स हैं। कौन सा नाम पाकिस्तान में बोला जाता है? पाकिस्तान में ये सारे नाम बोले जाते हैं, दूसरे मालिक में दूसरे नेम होंगे। स्टूडेंट्स, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम और मुख्तलिफ चीज़ों का एक ही नाम। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मिसाल है हमारे पास ब्लू बेल, एक पौधा है जिसका फूल बेल शेप्ड होता है। ये डजन्स के करीब पौधे हैं जिनके फ्लावर्स बेल शेप्ड होते हैं, इन सबको ब्लू बेल कहते हैं, समझे। इसी तरीके से ब्लैक बर्ड, कवे को भी कहते हैं, यानी क्रो, इंग्लिश में क्रो कवा, और रेवन, पहाड़ी कवा, रेवन, रेवन, इन दोनों को ब्लैक बर्ड कहते हैं। इसी तरीके से एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ़िश क्या है? क्लास पाइसिस से ताल्लुक़ रखने वाला एक मल्टी सेलुलर, एक यूकेरियोटिक वर्टिब्रेट जानदार जिसमें फिन्स होते हैं, जिसमें गिल्स होते हैं। गिल्स के जरिए वो रेस्पिरेशन करता है, फिन्स के जरिए वो स्विमिंग करता है, वो उसकी वर्टिब्रल कॉलम होता है। लेकिन अब कॉमन नेम्स देखिएगा, जैसे सिल्वर फिश, फिश नहीं है, वर्टिब्रेट नहीं है, इनवर्टिब्रेट है, क्रे फिश, स्टार फिश, ठीक है, ये कॉमन नेम्स हैं, ये कन्फ्यूजन काज करते हैं, दीज आर नॉट फिशेज। एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ़िश क्या है? एक वर्टिब्रेट एनिमल जो क्लास स्पाइसिस से बिलोंग करता है, जिसके फिन्स होते हैं, जिसके गिल्स होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, दीज कॉमन नेम्स काज कन्फ्यूजन, वन नेम फॉर मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिजम्स, दीज काज कन्फ्यूजन। स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट हैं कार्लस लीनियस, बहुत बड़ा नाम है क्लासिफिकेशन में, कार्लस लीनियस, जिसको कार्ल वॉन लाइन भी कहते हैं, समझ आई। ये इनके दो नाम हैं, एक प्यार से नाम रखा गया है और एक वैसे नाम है। कार्लस लीनियस जो हैं, 1707 से 1778 इनका एज पीरियड है, 18वीं सदी के ये साइंटिस्ट हैं, इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, क्लासिफिकेशन के फादर हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन जानदारों की एक तरीका मुतारिफ करवाया था जिसको बाद हज़ा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दिया गया। ये मैं बताता हूँ इसको ये नाम क्यों दिया गया। स्टूडेंट्स, इसने ये बोटैनिस्ट थे, बेसिकली स्वीडिश बोटैनिस्ट थे, स्वीडन के रहने वाले। इन्होंने 1753 में प्लांट्स के साइंसी नाम की एक लिस्ट पब्लिश की, और 1758 पाँच साल बाद एनिमल्स के नामों की भी, साइंटिफिक नामों की भी एक लिस्ट जारी की। किस सिस्टम के तहत? इनका अपना डिवाइस सिस्टम जिसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कह रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये है क्या, ये जो ऊपर नाम है सब ये कन्फ्यूजन काज करते हैं। तो ये कहते हैं कि हर जानदार को लैटिन लैंग्वेज में एक नाम दिया जाए, बाई मीन टू नोमियल मीन नेम, जो दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो। पहला नाम जीनस का, जीनस की जमा जेनरा है, जिसे जेनरिक नेम कहा जाएगा। जैसे इंसान का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो होमो इसमें जीनस का नाम है जिसे कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। दूसरा नाम स्पीशी का नाम होगा और स्पेसिफिक नेम कहलाएगा।
और जैसे इंसान का सेपियंस, और स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जब इन दोनों नामों को इकट्ठा लिखा जाएगा तो इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। इंसान का साइंसी नाम है होमो सेपियंस। होमो मीन मैन, सेपियंस मीन वाइज, वाइज मैन, अक्लमंद इंसान। इससे पीछे होमो इरेक्टस, निंदरथल मैन, होमो निंदरथैलस वगैरह डिफरेंट नेम्स हैं। एनीवेज, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिविंग द ऑर्गेनिजम्स साइंटिफिक नेम्स। दीज साइंटिफिक नेम्स आर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। दीज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज जेनरिक नेम एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम बिगिंस विद कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक नेम बिगिंस विद स्मॉल लेटर। स्टूडेंट्स, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑनियन को नाम दिया गया एलियम कीपा। एलियम इसकी जेनरिक नेम है, सी ई पी ए, कीपा इसका स्पेसिफिक नेम है। दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करें। इसी तरीके से मुख्तलिफ अमलतास को नाम दिया गया केसिया फिस्टूला। केसिया इसका जेनरिक नेम है, फिस्टूला इसका स्पेसिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम जब भी हैंड रिटन होगा, हाथ से लिखा जाएगा, तो दोनों नामों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। जब कंप्यूटर पर टाइप या कंपोज करेंगे, दोनों नामों को इटालिक्स में लिखा जाएगा, कंट्रोल आई दबा के टेढ़ी लिखाई में। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो पोटैटो है, इसका नाम है सोलानम। पोटैटो का ट्यूबरोसम, ट्यूबर, आपको पता है पोटैटो ट्यूबर होता है। या ये साइंटिफिक नेम या तो कि उस ऑर्गेनिज्म का कोई करेक्टरिस्टिक है, या इसके डिस्कवरर के नाम पे है, उसको डिस्कवर करने वाले के नाम पे। इस तरीके से जो ब्रिंजल है, जो बैंगन है, उसका सोलानम मिलेंजीना है। इन दोनों की जीनस सेम है, सोलानम और सोलानम। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं। रैना टिग्राइना, ये फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। इसी तरीके से आपने पाइजम सेटिवम मैट्रिक में पढ़ा है, जो कि गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है। तो स्टूडेंट्स, शुरू में मॉर्फोलॉजी की बेस पे क्लासिफिकेशन की गई, लेकिन बाद में फिजियोलॉजी को देखा गया, बायोकेमिस्ट्री को देखा गया, साइटोलॉजी को देखा गया, और जेनेटिक्स को देखा गया, होमोलॉजीज को देखा गया, इनके बेस पे क्लासिफिकेशन की। इस लेक्चर में हमने सीखा वैरायटी ऑफ लाइफ, 1.5 मिलियन एनिमल्स, 0.5 मिलियन प्लांट्स डिस्कवर, ये वैरायटी है, इसको बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। हमने कहा कि इसकी क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बिना हम इसे स्टडी नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन मीन ग्रुपिंग, कैटेगराइजेशन। तो मॉर्फोलॉजी की बेस पे, बाद में एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज की बेस पे, यानी होमोलॉजीज, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी की बेस पे क्लासिफिकेशन की गई। स्पीशी को हमने डिफाइन किया, ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशंस विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड, विच कैन नेचुरली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स एंड आर सेक्शुअली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। स्पीशी की एग्जाम्पल होमो सेपियंस, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं स्पीशी की। इसी तरीके से हमने देखा कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको इस तरीके से हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, उनकी जेनेटिक्स, साइटोलॉजी वगैरह स्टडी करनी पड़ेगी। फिर हमने देखा जी स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, टैक्सा ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी के फादर कहा जाता है कार्लस लीनियस को। हमने टॉपिक पढ़ा नोमेनक्लेचर Giving the organisms their scientific names. These names are from Latin language. These names are consist of two words. First is generic name. Second one is specific name. Generic name starts with or begins with capital letter. The specific name begins with the small letter. Jaise Homo sapiens, jaise Solanum tuberosum, Solanum melangina, different names. So iska sera Carlos Linnaeus ke naam jata hai. This was the first lecture of variety of life.